टॉर्क की प्रॉब्लम है, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सॉलिड डिस्क? सॉलिड डिस्क का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। ऑफ मास 16 केजी तो मास गिवन है, और डायमीटर मीन रेडियस गिवन है, फ्रॉम 0 to 120 आरपीएम इन 8 सेकेंड। तो जीरो का मतलब फ्रीक्वेंसी इनिशियल क्या है, जीरो तो ओमेगा क्या है, जीरो, और फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है, 120 आरपीएम फ्रीक्वेंसी होती है, 60 से डिवाइड करके आरपीएस फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ओमेगा क्या होगा, 2.2 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा आ गया। ऐसा कितनी देर में हुआ, 8 सेकेंड में हुआ। मुझे क्या निकालना है, इसमें टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क के दो फॉर्मूलाज हमने किए, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई वाला, और टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा वाला। देखो आर एफ का फॉर्मूला तब लगता है जब आपको ना किसी क्वेश्चन में फोर्स जिसे गिवन है, आर गिवन है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के क्वेश्चन किए, वहाँ आर एफ लगता है, गिवन होती है, फोर्स है, आर है, पता लग जाता है। और अगर बॉडी की शेप गिवन है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, उसमें टॉर्क निकालना है, फिर आर एफ की जगह क्या लगता है, आई अल्फा लगता है। अब इसमें पता लग ही रहा है, डिस्क की बात कर रहे हैं तो आई तो पता ही है, अपने को क्या निकालना है, अल्फा, तो अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनल ओमेगा हमें पता है 4 पाई, इनिशियल ओमेगा हमें पता है 0, टाइम हमें पता है 8, यहाँ से अल्फा आ गया। फिर टॉर्क क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, मास आपको डिस्क का पता है और रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ, आंसर। तो टॉर्क की पॉइंट समझ में आ रहा है, टॉर्क की वैल्यू आ रही है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, मेथड क्लियर है, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में आई अल्फा लगता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम में हमेशा आर इंटू एफ ही लगता है। देखा पुरानी शीट में एक ही फॉर्मूला है, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। टॉर्क के अंदर कुछ भी लग सकता है, आर एफ भी लग सकता है और आई अल्फा भी लग सकता है। अगर आपको शेप गिवन है, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, फिर तो आई अल्फा ही लगता है, और अगर शेप नहीं गिवन, एफ गिवन है, तो आर एफ लगता है। अभी दिखाता हूँ आर एफ किस में लगेगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात होती है, प्लीज, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है। देखो पॉइंट समझो, इसके अंदर एक ना फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फोर्स कितनी लग रही है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और वो क्या कह रहा है, इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेफ्ट एज ऑफ द रेक्टेंगुलर एज शोन द फिगर, और कहाँ पे, ए से इसकी दूरी 0.75 है और इस पॉइंट से दूरी 1.25 गिवन है। आपको क्या निकालना है, टॉर्क विद डायरेक्शन बतानी है, प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल एट कॉर्नर ए और सिमिलरली एट द कॉर्नर बी। एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेना है, प्लेन क्या है, ये प्लेन है, तो एक एक्सिस लेते हैं ए, ये एक्सिस जो ए में से पास कर रहा है पहले और ए के परपेंडिकुलर है, तो ये पेन एक्सिस है, एक्सिस बोर्ड के अंदर से पास कर रहा है। इमेजिन एक नेल है, आपने नेल को यहाँ उसको डाल दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता, ए पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो अब आप अगर फोर्स लगाएंगे 100, तो बताइए टॉर्क कितना जनरेट होगा, फोर्स 100 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 0.75, तो 75 टॉर्क जनरेट होगा। कैसे, आप इसे अगर फिक्स कर दें ए पॉइंट को और फोर्स को ऐसे लगाएं, तो पूरा रेक्टेंगल कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज करके देख लो, पूरा रेक्टेंगल यहां फोर्स लगाओगे तो ऐसे नहीं घूमेगा, ऊपर को एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, 75 काउंटर क्लॉकवाइज, इसका आंसर क्लॉकवाइज तो हो नहीं सकता, सी और डी तो वैसे ही गए, 125 हो नहीं सकता क्योंकि 100 इंटू 0.70 में तो
ए ऑप्शन, आगे चेक ही नहीं करना, आंसर याद हो गया। ठीक है यहाँ तक? वैसे लेंथ में बहुत बड़ा क्वेश्चन, अंदर कुछ नहीं है इसके। पॉइंट क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड। अब इसमें बॉडी के बारे में कुछ गिवन नहीं है, रिंग डिस्क कुछ नहीं, तो आई इंटू अल्फा नहीं लगेगा। क्या गिवन है? एफ वेक्टर गिवन है और आर वेक्टर गिवन है, तो ऑब्वियसली अब क्या लगेगा? आर क्रॉस एफ। अब कोई अगर आपको वेक्टर में देगा तो आंसर भी वेक्टर में निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ में आई माइनस जे के क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, याद है क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ। क्रॉस वैसे पेपर की तैयारी करके आए हो यार, क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही होगा छुट्टियाँ मार मार के वो भी। ठीक है, तो आई माइनस जे के, तो आर वेक्टर का कोफिशियंट क्या है? 3 - 2 - 3, और एफ वेक्टर का 2 - 3 और 4। सॉल्व करें, आई जे के भी आंसर निकालें क्या होगा। तो क्या आंसर आ रहा है बोलो? आई क्रॉस बोलो क्या माइनस ना, ये नहीं आ रहा होगा, जरा चेक करो। आई कैप, आई कैप माइनस 6 जे कैप 5 के कैप, ऐसा ही आ रहा है क्या? चेक करो, कि कुछ मिसमैच है, ऐसा है? नेक्स्ट कर लेना, नेक्स्ट फिफ्थ।
कितने लोगों को इसका आंसर पता लगा कि एन है? नहीं लगा। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझाना चाहता हूँ। वर्क पार एनर्जी में वापस चलते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज जीरो है, नहीं चल रही, और लेट अस सपोज मैंने इसकी वेलोसिटी को वी कर दिया, मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, घुमाने की बात नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली किसी ने तो इसके ऊपर क्या किया होगा, वर्क डन। जो भी वर्क डन किया वो क्या हो सकती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, यही हुआ ना? ठीक है, तो जो भी वर्क डन हुआ तो किसी ने वर्क डन करने के लिए क्या लगाई होगी, फोर्स। तो फोर्स ने क्या की होगी, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेटिंग फोर्स है क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ा रही है, सही है। लेकिन अगर मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि आपकी वेलोसिटी वी थी और आपकी बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो यानी कि किसी ने तो रोका ऐसे, अब वेलोसिटी बढ़ी नहीं है, रिटार्डेशन हुई है, तो जो भी वर्क डन हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और लेकिन इस बार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, फाइनल में से इनिशियल, वो इसलिए क्योंकि वर्क डन कहीं ना कहीं फ्रिक्शन या अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स ने किया, रिटार्डिंग फोर्स का वर्क डन भी क्या आता है, नेगेटिव। ऐसी लॉजिक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बोलता हूँ पॉजिटिव है तो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव है तो रिटार्डिंग फोर्स है, सही है। अब बॉडी को लीनियरली नहीं चलाएंगे, अब बॉडी को सपोज घुमाएंगे, अगर बॉडी को रोटेट करते हैं, खड़ी खड़ी बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, और वेलोसिटी पहले ओमेगा वन जीरो थी और ओमेगा टू ओमेगा हो गई, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इसका आए, तो आपने इस पे क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, किसी ने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, वो वर्क डन ने क्या किया, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ आए ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ऐसे तो जो वर्क डन है इसके इक्वल है, नो डाउट इसमें, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम क्या यूज करेंगे, हाफ आए ओमेगा स्क्वायर, घूमने वाले केस में हाफ आए ओमेगा स्क्वायर, रोल नहीं कर रहे जैसे फैन को ही घुमा रहे हैं, बस रोटेशन, प्योर रोटेशन की बात होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे सोचने है, समझ में आ रहा है इसमें? अब ये बताओ कि वर्क डन की वैल्यू लीनियर मोशन में क्या थी, एफ इन टू एस, रोटेशनल में एफ की जगह क्या यूज करते हैं, टॉर्क, और एस की जगह क्या यूज करते हैं, थीटा, रोटेशनल में थीटा, तो वर्क डन में टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इनटू थीटा, तो जो काम इसमें एफ इनटू एस करता है वो काम उसमें टॉर्क इनटू थीटा करता है, क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर अगर आपकी बॉडी स्लो डाउन हो रही है, अगर मान लो बॉडी की वेलोसिटी ओमेगा है और फाइनल क्या हो गई, जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या आएगी, नेगेटिव, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें नेगेटिव आएगी, तो वर्क डन बाय एक्सेलरेटिंग टॉर्क नहीं होगा, वर्क डन बाय रिटार्डिंग टॉर्क होगा, तो ऐसे क्या बोलेंगे इसमें, वर्क डन बाय एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं, रिटार्डिंग फोर्स है, वैसे इसमें वर्क डन बाय रिटार्डिंग टॉर्क होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम का सेम सेकेंड फॉर्म दे दिया मैंने, एफ इन टू एस की जगह टॉर्क इन टू थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक रिंग है और डिस्क है और डिफरेंट मासेस के हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्वियसली इनका जैसा भी होगा पता नहीं क्या होगा, एक का एम आर स्क्वायर होगा, एक का हाफ एम आर स्क्वायर होगा, शेप अलग है, आई डिफरेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं दोनों घूम रही हैं विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, चलो यानी हम आई और ओमेगा के डिस्कशन में जाते नहीं हैं, तो उसने कहा ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आई डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, पर चलो वो कह रहे हैं सेम है। और फाइनली दोनों बॉडीज पे क्या लगाया, रिटार्डिंग टॉर्क टाउ लगाया, रोकने का टॉर्क लगाया ताकि रिंग स्टॉप हो जाए, रिंग को रोक दिया, रिंग को रोक दिया, रिंग रुकी चक्कर काट काट के, कितने चक्कर काट लिए उसने रुकते हुए, एन। तो जब डिस्क को रोका बाय अप्लाइंग सेम टॉर्क, तो डिस्क ने कितने चक्कर काटे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
देखो कोई भी बॉडी अगर घूम रही है, ठीक है, तो उस केस में देर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे रिंग है चाहे डिस्क है, और रोकने के लिए क्या लगा होगा, रिटार्डिंग टॉर्क। तो ये टॉर्क को क्या बोलेंगे, ये आपका एक्सेलरेटिंग रिटार्डिंग टॉर्क है, क्योंकि रुक रही है बॉडी। अब राइट हैंड साइड रिंग के लिए और डिस्क के लिए एग्जैक्टली क्या है, सेम है, यानी कि कॉन्स्टेंट है, यानी कि टॉर्क इंटू थीटा इस केस में क्या है, कॉन्स्टेंट है। राइट हैंड साइड का रिंग है जो डिस्क है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है। तो सोचो अगर टॉर्क की वैल्यू भी सेम अप्लाई कर रहे हैं दोनों पे, तो थीटा भी क्या होगा, सेम है। और अगर थीटा सेम है तो चक्कर भी दोनों ने सेम ही काटे होंगे, तो अगर रिंग ने एन चक्कर काटे तो डिस्क ने भी एन ही चक्कर काटे, तो आंसर रिमेन्स सेम, तो इसलिए आंसर एन ही रहेगा। सही है यहाँ तक, कैसे सोचना समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ है, क्या हुआ है? इसका आंसर निकाल दें क्या है, हैंड रिटन शीट में किया हुआ है, अगर चेक करें उसमें भी किया हुआ है, चेक कर ले, लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया मैंने क्लास में, स्ट्रिंग काट दी वो घूमेगा घूमेगा, टॉर्क निकाल लो, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल लो, चेक करो। देखो क्वेश्चन है कि आपके पास दो हमने किया हुआ, कोई याद आ रहा है क्वेश्चन किया था कैसे किया था, कि सपोज करो आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं और ये रॉड है, ठीक है, रॉड में क्या है, टेंशन टी है, मैंने इसको काट दिया, क्या सिखाया था, जब इसको कट किया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, कितना एम जी फोर्स के साथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बनेगा इसमें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, इसके बाद पूरी रॉड घूमेगी, तो अगर लेंथ एल है तो आधी लेंथ क्या है, एल बाई टू, तो बोल लो कितना टॉर्क होगा इसमें, एल बाई टू इंटू एम जी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क है, हमने टेंशन निकालनी है वो अलग बात है, तो टॉर्क आ गया। टॉर्क होता क्या है, क्या सिखाया था, आई टाइम्स एल्फा, एल बाई टू इंटू एम जी इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, जैसे यहाँ से काट दिया, ये एक्सिस है, रॉड का अगर कोना एक्सिस होगा तो टेंजेंट एक्सिस है, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल्फा, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एल से एल भी कैंसिल, तो आपके पास जो एल्फा आएगा वो आएगा थ्री बाई टू इंटू कितना, एल बाई एल, एल्फा आ गया। ठीक, क्यों निकालना है एल्फा बताता हूँ, वो कह रहा है कि आपको ना इसमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने का मतलब आपको फोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट लगाना है। अब फोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे, तो इमेजिन करो ये रॉड नहीं है, बस टोटल मास एम है, जिसको नीचे वेट क्या लग रहा है, एम जी, और ऊपर की एक फोर्स है टी, रॉड के ऊपर की फोर्स टी और नीचे की फोर्स एम जी है, और रॉड जैसे यहाँ से काटा इसे,
तो ये सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास घूमेगा किस में, इन्हें सर्कल बताया था, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सिखाया था ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो जब ये नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास, तो लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू ए सेंटर ऑफ मास ये करवाया था। अब आपको अगर मैं ये बता दूँ तो टेंशन आ जाएगी। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे सिखाई थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितनी आर इन टू अल्फा होती है, करवाया था। सर्कुलर मोशन में अगर सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू आर अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आर की जगह एल बाई टू इन टू अल्फा, इस अल्फा को यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा, इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, टेंशन की वैल्यू आएगी। आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग में या हैंड रिटन शीट में चेक कर लें, ये क्वेश्चन लास्ट से लास्ट लेक्चर में करवाया। इसके बहुत सारे पार्ट्स थे, मैंने अल्फा पूछा था, इसकी एक्सेलरेशन पूछी थी, टॉर्क पूछा था, बहुत क्वेश्चन थी, चार पांच क्वेश्चन करवाए थे इसी क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है। मुझे आंसर याद नहीं है, बस आंसर याद नहीं है, मेथड सारा याद है, मतलब मुझे रटा हुआ है, अगर स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैं सोचते सोचते भी आंसर दे सकता हूँ इसमें क्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हैंड रिटन शीट के अंदर चेक कर लेना, इसका आंसर जो भी आ रहा है आप निकाल लेना। नेक्स्ट जो है इसमें, ये टॉर्क की प्रॉब्लम है।